नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुवेश। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां से आज फिट अभियान की शुरुआत हो गई है, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट अभियान की शुरुआत की है आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और मकसद इसका सीधा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार जिक्र करते रहे हैं कि हर किसी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, फिट रहना चाहिए, और उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज से फिट अभियान की शुरुआत आप बता दें कि की गई है। दरअसल हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है। तो अब से आपको बता दें कि हर एक साल जो है थीम अलग अलग इस दौरान इस खेल दिवस को लेकर किए जाएंगे, लेकिन आज जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत की गई है, तो इस दौरान कहा गया है कि हर एक कॉलेज को अब 15 दिन का फिटनेस का जो प्लान है वो यहां पर तैयार करना होगा। इसके साथ ही कॉलेज अपने पोर्टल वेबसाइट पर भी इस पूरे प्लान को अपलोड करेगा। तो फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए लोगों को सेहतमंद रखने की मुहिम की शुरुआत यहां पर की जा रही है और इसी के साथ इस अभियान पर विशेष मंत्रालय आपसी तालमेल से काम भी करेगा। तो आपको बता दें कि फिट अभियान में खेल जगत के साथ साथ ही अनेक जो हस्तियां हैं वो भी यहां पर शामिल हुई। तो एक बार फिर से फिट अभियान को उजागर करते हुए, जिस तरह से स्वच्छता अभियान इतने बड़े स्तर पर सफल हुआ है, उसी तर्ज पर इस फिट अभियान को लेकर भी एक बार फिर से मोदी सरकार आई है। मकसद सीधा कि देश के जो लोग हैं वो फिट रहे, स्वस्थ रहे, और इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए कई जो फिल्मी हस्तियां हैं, जो खेल हस्तियां हैं, वो यहां पर जुड़ रही हैं और इस अभियान की शुरुआत आज हो गई है। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।